सो टाटा मोटर्स ने जब से अल्ट्रोज को जिनेवा मोटर शो में अनवेल किया है तब से लेके आज तक बहुत सारे आपके इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आए और आप सब ने यही पूछा था कि i20 और बलेनो के साथ अगर हम अल्ट्रोज को कंपेयर करें तो क्या अल्ट्रोज की वेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में ऑलरेडी बलेनो और i20 जैसी बहुत ही बेहतरीन कार्स अवेलेबल है। सो आपका ये वेट करना जरूरी है या नहीं है, इसी बारे में इस वीडियो में हम कंपैरिजन करके इन डेप्थ कंपैरिजन और डाइमेंशंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के फिगर्स के साथ आपको सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। सो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। ऑलराइट, सो बिना टाइम गवाए हम सीधे बात करते हैं इन तीनों कार्स के डाइमेंशंस के बारे में, और डाइमेंशंस के फिगर्स यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। LWH यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट अगर देखें तो तीनों कार्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर व्हील बेस देखें तो यहाँ पे i20 के पास एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन अगर टायर साइज देखें तो 17 इंचेस की टायर साइज आ सकती है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है अल्ट्रोज में। और वहीं अगर बलेनो और i20 की बात की जाए तो मैक्स टू मैक्स 16 इंचेस के टायर साइज अवेलेबल है। कब वेट के बारे में, अल्ट्रोज एक बिल्कुल नए अल्फा प्लेटफॉर्म की वजह से 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के बेस मॉडल में टाटा टियागो से भी 14 केजी लाइटर कब वेट के साथ आएगी, और यही चीज इसे एक बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और एक अच्छा परफॉर्मेंस मुहैया करवा सकती है। कब वेट के हिसाब से ही देखें तो बलेनो यहाँ पे सबसे लाइट वेट और i20 यहाँ पे सबसे हैवी वेट कार कही जा सकती है। बूट स्पेस भी इन तीनों में अल्ट्रोज सबसे ज्यादा और i20 सबसे कम ऑफर करने वाली है। और ओवरऑल अगर डायमेंशंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बाकी के सारे डायमेंशंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन व्हील बेस हो सकता है यहाँ पे अल्ट्रोज में कम है, और यही एक रीजन है कि इंटीरियर स्पेस में शायद कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़े। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द इंजन स्पेसिफिकेशन डिपार्टमेंट एंड लेट्स कंपेयर i20, बलेनो एंड अल्ट्रोज टुगेदर। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अल्ट्रोज में फाइनली पावर ट्रेन्स के अवेलेबिलिटी क्या है। सो अल्ट्रोज यहाँ पे बेसिकली तीन इंजन के साथ अवेलेबल होगी। एक जो है वो टियागो वाला ही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रहेगा जो कि बेस मॉडल्स में ऑफर किया जाएगा। उसी के साथ 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होगा जो कि नेक्सोन में ऑलरेडी हमने देखा है। इसके अलावा 1.5 लीटर नेक्सोन का ही डीजल इंजन भी ऑफर किया जा सकता है। टियागो का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से यहाँ पे NVH लेवल इस सेगमेंट की कार में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव करके अल्ट्रोज में 3 सिलेंडर इंजन के साथ एक बैलेंस्ड शाफ्ट को ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से NVH लेवल्स बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं और इंजन बहुत ज्यादा रिफाइन मैनर से परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल के नेक्सोन की बात करें, नेक्सोन के इंजिन के साथ आने वाली कार की बात करें तो यहाँ पे 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन दोनों इंजिन्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनग्रेडेड आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क फिगर्स। ओके, और एक चीज यहाँ पे नोट करने जैसी ये है कि बलेनो i20 और अल्ट्रोज में अगर हम कंपेयर करें तो नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज के कॉम्बिनेशन में दो पेट्रोल इंजिन्स i20 के अलावा दोनों कार्स में अवेलेबल है। i20 सिर्फ और सिर्फ अपने 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन के साथ ही अवेलेबल है। अगर ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे दोनों कार्स यानी कि i20 और बलेनो ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है, लेकिन अल्ट्रोज में ये माना जा रहा है कि यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन इनिशियल स्टेज में ऑफर किया जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि शायद टाटा DCT यहाँ पे अल्ट्रोज के साथ इंट्रोड्यूस कर दे। DCT यानी कि ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। अगर आप ट्रांसमिशन के बारे में ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में दिए गए वीडियो को देख सकते हो। इंजन स्पेसिफिकेशंस और नंबर्स को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बलेनो अपने लाइट वेट की वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों ही बेहतर देने वाली है इस कंपटीशन में। लेकिन टाटा के द्वारा डेवलप किए हुए बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म यानी कि अल्फा प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड ये बिल्कुल नई अल्ट्रोज भी कम नहीं ठहरने वाली है, क्योंकि अल्फा प्लेटफॉर्म बना ही इसीलिए है कि लाइटवेट भी हो और रिजिड भी हो और बहुत ही स्ट्रांग भी हो। सो टाटा की स्ट्रांगनेस और बिल्ड क्वालिटी के बारे में अब कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं है, तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अल्फा प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड नई अल्ट्रोज
सिर्फ और सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी ही नहीं और परफॉर्मेंस ही नहीं, लेकिन सेफ्टी भी वही मुहैया करवाया जो हमने नेक्सॉन और दूसरी प्रोडक्ट्स में देखी है टाटा के द्वारा। सो यही एक्सपेक्टेशन के साथ ये एक चीज कह सकते हैं कि फीचर्स के हिसाब से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नेक्सॉन में जो भी फीचर्स आपने देखे उससे भी कुछ फीचर्स के एडिशनल बेसिस पे एड किए जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो बलेनो के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट प्राइसिंग के साथ हो सकता है कि इस अल्ट्रोज के पेट्रोल और डीजल के डिफरेंट वेरिएंट्स टाटा ऑफर कर सकती है। और ऐसा अगर हो गया बलेनो के ही इक्विवेलेंट प्राइसिंग के साथ अल्ट्रोज अगर आ गई तो यहाँ पे ये चीज फाइनल है कि बलेनो के साथ साथ यहाँ पे i20 और जैस जैसे दूसरे ऑप्शंस को भी प्रॉब्लम हो सकता है कॉम्पिटिशन में ठहरने के लिए। और इतना ही नहीं, 2021 यानी कि नियर अबाउट 2 ईयर्स के ड्यूरेशन में टाटा अपनी इसी अल्ट्रोज को एक बिल्कुल नए और इलेक्ट्रिक अवतार में, ईवी अवतार में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रहने वाली है, बहुत ही अच्छी डिजाइन के साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली हो सकती है। जिनेवा में इस कार को ऑलरेडी अनवेल किया है, यहाँ पे ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि जल्दी ये कार भी आ जाए और हमें एक बिल्कुल नया ऑप्शन इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी देखने को मिल जाए। सो इसी के साथ इस वीडियो में थोड़ा सा लाइक और शेयर करके अपना कंट्रीब्यूशन भी दे दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल में आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। इसके अलावा इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी मैं संडे को लाइव आऊं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके सारे क्वेश्चंस आप मुझे लाइव में ही पूछ सकें। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ अपने इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू। We'll be right back.